क्यों आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट राइड एंड ऑल सेट टू गो ट्रिप के लिए हम लोग सुबह निकल चुके हैं 5 बजे और घर के बाहर खड़े हैं और एक गाड़ी में बाइक मेरे पीछे इस तरह दिख रही है और बस अब मैंने मम्मी पापा को सबको सी ऑफ कर दिया है और बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से कुछ करीबन 600 कुछ किलोमीटर है डेस्टिनेशन हमारी, उसके बाद पहुँच जाएंगे टाइम से। मिलते हैं आपको शाम में पहुँचने के बाद। क्या बोलते हो गाइस, कैसी दिख रही है बाइक? आई थिंक अच्छी दिख रही है। और मैं गुड़गांव की तरफ पहुंच चुका हूं, गुड़गांव के अभी साइबर सिटी में हूं मैं शायद। और बस यहां से अब देख रहे हैं रास्ता कहां ले जा रहा है, मैं आप जहां ले जाता है हम लोग जाते जाते हैं। जर्नी बहुत लंबी है, शाम हो जाएगी पहुंचते। सिया पहला ब्रेक लिया है। सुबह में निकला था आई गेस 6 बजे करीब। और कौन सी जगह अभी है ये? बिसलवास। अभी मैं पहुंचा हूँ बिसलवास और यहाँ पे टी ब्रेक था। अच्छा, भिवानी में? अच्छा, राजस्थान का बॉर्डर आगे लग जाएगा। अच्छा, चाय वाय पीते हैं उसके बाद मिलते हैं। मेरा मन करते भेदभाव का, तेनु नहीं होयो भाई उठा का दूर का। हां ये तीनों बंदे कौन से आए? टोल का बात तो होता है ना। देखा मैंने, अभी चालू नहीं हुआ है। हां टोल के कर्मचारी कौन से रूट पे आपका ये ढाबा? हमारा जी ये होटल है चरखी दादरी वाया लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी। ठीक है, बड़ा प्यारा सा ढाबा बनाया हुआ है, काफ़ी सही है। आप यहाँ आके रुक भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। नाइट में अगर यहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी सही अरेंजमेंट है, खाना पीना सब कुछ। बड़े अच्छे अंकल जी मिले हम।
Hi everyone. So this is gonna be my second stop. और अभी मैं जस्ट मतलब खाना लेके आया था घर से, खाना खाऊंगा, खाने के लिए रुका हूँ. और हल्का सा प्यार सा छोटा सा फॉरेस्ट टाइप का है जहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं मस्त. यहाँ मैंने सामान वामान रख दिया अपना और वो मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पे. तो मैं खाना लेके आया था घर से, मैंने पैक किया था, तो लंच कर लेता हूँ. उसके बाद अभी मैंने ऑलमोस्ट हाफ कवर कर लिया रास्ता. और 6 घंटे हो गए मुझे निकले हुए घर से, और उसके बाद 6 घंटे और लगेंगे. अब आधा तो कवर कर लिया. मस्त मज़ा आ रहा है, राइड बहुत ही अच्छी जा रही है, बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी स्मूथ और थकावट नहीं हो रही है. सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है, बढ़िया राइड कर रही है बाइक, तो मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया. चलो फिर खा के मिलते हैं. मेरा ऑल टाइम फेवरेट मम्मी ने पैक किया चिकन, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए. मस्त चिकन और प्रोटीन, मज़ा आ गया. लंच भी हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, पैक करते हैं सब सामान, बैठते हैं गाड़ी में और यादों के अलावा कुछ नहीं छोड़ते यहाँ पे, है ना. कूड़ा अपना मैंने बैग में रख लिया है, उसको हम डस्टबिन में थ्रो कर देंगे. लगाया जाए उसके बाद हो गया यहाँ सेट. पानी पिया है, कर दिया सेट. हमने ग्लव्स कहाँ रखे थे, ग्लव्स वहाँ रखे थे, भूलना नहीं है कुछ भी, यादों के अलावा कुछ नहीं छूटना चाहिए. बहुत अच्छा रोड बनाया है एक्चुअली, लेकिन अभी क्या है, रोड बन चुका है, टेंडर पास नहीं हुआ है जिनसे इसका, जिसको मतलब टोल के लिए जो यहाँ बैठेंगे तो वो टेंडर पास नहीं हुआ, तो अभी बस टोल गेट्स लगे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, टोल के पैसे नहीं लग रहे. वैसे भी मतलब बाइक के तो नहीं लगते हैं, बस स्टिल गाड़ियों के भी नहीं लग रहे, बट रोड लेकिन बहुत ही अच्छा बना, मतलब एकदम अच्छा, राइड के लिए तो एकदम परफेक्ट रोड. और वेदर भी मेरे को तो बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही बढ़िया वेदर, मतलब इससे अच्छा वेदर तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा तो वेदर गर्म होगा, इसलिए मैं जल्दी निकला था सुबह कि मैं ठंड थोड़ा मतलब अच्छे मौसम में ही कवर कर लूँ रोड को, बट कुदरत ने आज साथ दिया अपना. तो चलो जर्नी रिज्यूम करते हैं दोबारा से.
इतना सुंदर सनसेट तो मैंने नहीं देखा कभी भी, इतना ज़्यादा सुंदर सनसेट हो रखा है। मैंने इसलिए स्पेशली बाइक रोकी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। क्या बोल रही है पब्लिक? चलो तुम लोग यही वेट कर रहे थे क्या? ओ भाई यार, क्या हाल है? कैसे थी ट्रिप? जल पियो जल। क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। परफेक्ट आया टाइम भाई। देखा आज क्या मस्त सनसेट था, तुम लोग को शायद नहीं दिखा होगा भाई साहब, बहुत जहर सनसेट। तू यहाँ पे कब गया बे? कहाँ पे? हमारे दिल्ली के अंदर भी एक छोटा सा लद्दाख है, बहुत ही बेस्ट वाला। वहाँ पे लाफिंग बहुत अच्छा मिलता है, बहुत जहर। कमजोर हो गया यार तुम लोग मेरी याद में तो सब के सब हैं। हाँ यार वही तो यार, एकदम ऐसे लग रहा बिल्कुल। क्यों यार खाना पीना नहीं खाए क्या? क्यों यार ऐसे क्यों छोड़ दिया मेरी याद में? तेरे याद में जा ही नहीं रहा। जाएगा तभी खाएंगे। मैं बहुत पहले आ जाता, मैं बहुत पहले आ जाता पता तुम लोग को। हाँ अच्छा, उसके बाद ही तेरा कॉल आया गैस। हाँ ये तो ऑफिस गया था, घर पे गया था? नहीं नहीं बाहर उनके भाई की दुकान है गैस पे, वहाँ पर। हाँ हाँ, उनने मेरे को दिन में कॉल किया था, मैं था कहाँ नागौर पहुँचने वाला था, तब मैंने बोला, उनने बोला फिर फलौदी जब पहुँचोगे तो कॉल करना। चलो गैस कुछ मीठा खा लो तुम। चलो अंदर चलो पहले। क्या अच्छा, तुम लोग जस्ट अभी अभी आए क्या? अच्छा क्या बे? यार मजा आ गया पता। मुझे भी नया लिया? नहीं नहीं तो फाइनली मैं पोखरण पहुंच गया। ये मेरे रूममेट्स, ये देखो कैसे, ये सब लोग मेरे इंतजार करते, बेचारे बहुत कमजोर हो गए, देखो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और ऑलरेडी मेरा व्लॉग देख रहे हैं और मैं इसको बाद में शूट कर रहा हूँ। मेरे को हो गया आए हुए लाइक आधा घंटा करीब और यहाँ पे मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ।